चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर भाग संक्रिया बताऊंगा। दोस्तों हमारा यहाँ पर भाग संक्रिया जो होती है हमारी, जिनमें हमारा भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल हमारा आता है। दोस्तों इनके आधार पर हमारे कई कंपटीशन में एक आध क्वेश्चन हमारा पूछा आता है, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर केवल 4-5 मिनट लगभग मुसलसल आप यहाँ पर देखेंगे हमारी वीडियो को दोस्तों, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमेशा कर लेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक ये टॉपिक देख लीजिएगा और आप इस क्वेश्चन को हमेशा जहाँ भी आएगा बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर केवल एक ही मुख्य फॉर्मूला होता है, उसी के आधार पर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे और इजीली यहाँ पर कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा पहले क्या होता है, पहले हम यहाँ पर आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, मान लीजिए आपका यहाँ पर ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्यू है आपका, और कुछ भी आपने यहाँ पर डिवाइड किया, प्रोसेस की, तो फाइनली आपका आर यहाँ पर आ गया। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप देखिए इनका यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हमारा मीनिंग क्या है, इनका क्या कहाँ पर क्या मतलब है। यहाँ पर एक भाज्य होता है, भाज्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेंट, और भाजक होता है, भाजक को हम बोलते हैं डिवाइजर, और भागफल को हम बोलते हैं क्वांटिएंट, तो और शेषफल को हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो देखिए दोस्तों ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा भागफल अर्थात क्वांटिएंट है, ये रिमाइंडर है, ये आर है, ये क्वांटिएंट क्यू क्वांटिएंट है, ए दोस्तों हमारे यहाँ पर इसमें भाग दिया जा रहा था, ये भाज्य है, ये हमारा भाज्य हो गया और ये हमारा भाजक हो गया। तो ये हमारे दोस्तों इनके इनके यहाँ पर जो सिंबलों के यहाँ पर नाम थे प्रॉपर, वो हमने यहाँ पर आपको बता दिए। तो ये आपको याद होना चाहिए हमेशा कि यहाँ पर जिससे हम भाग देते हैं वो भाज्य भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य है, और जितनी बार भी भाग जाएगा भागफल आएगा हमारा, वो हमारा क्वांटिएंट कहलाएगा और ये हमारा रिमाइंडर कहलाएगा फाइनली जो बचेगा यहाँ पर। अब देखिए इनके आधार पर हमारे जो क्वेश्चन हमारे क्या आते हैं, इनमें आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, जो हमारा एक रिलेशन होता है बेसिकली कि कोई भी अगर आपने नंबर लिया तो आपका ये नंबर और ये इनमें एक रिलेशन होता है दोस्तों। देखिए हम वो रिलेशन यहाँ पर लिखते हैं और आप इजीली कर लेंगे दोस्तों। ए इक्वल टू क्या होगा हमारा, जो अंदर का ए है, ए बराबर हमारा होता है दोस्तों बी क्यू प्लस आर होता है। ये आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है, क्योंकि देखिए आपका जो यहाँ पर ए है, यदि आप ए को निकालना चाहें तो ए बराबर क्या होगा आपका, जितनी बार भाग गया है उसको यदि आप यहाँ पर भाजक से गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर बी क्यू आ जाएगा, और बचा हुआ शेष आप जोड़ देंगे तो आपका फाइनली वही नंबर आपका आ जाएगा। मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पर आपने यहाँ पर मान लीजिए 8 ले लिया, और यहाँ पर आपने लिया 3, और यहाँ पर आपने लिया 2, और यहाँ पर आपका 6 आया, और कितना बचा आपका 2 बच गया। अब आप रख लीजिए फॉर्मूले में, फॉर्मूले के आधार पर ए इक्वल टू यहाँ पर 8 है हमारा ए, तो यहाँ पर हमारा 8 इक्वल टू कितना आना चाहिए, 8 ही आ जाना चाहिए यहाँ पर। इधर देखिए 3 गुणा 2 कर देंगे आप, 3 गुणा 2 और धन जो बचा है 2, तो देखिए आप 3 6 2 8 यहाँ पर आपका आ गया, अर्थात यही 8 आपका ए बराबर आ गया। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप लिख लेंगे इसे अच्छी तरह से। हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इनके आधार पर क्वेश्चन आपको कितने तरह के पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 तरह के पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको इन चारों में से आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दी होंगी दोस्तों। मान लीजिए आपको ये 3 दे दिए, या फिर ए 3 दे दिए, या फिर ये 3 दे दिए, और आपको कोई भी इनमें से निकालना होगा, कहीं पर आपको भाज्य निकालना होगा, कहीं भाजक निकालना होगा, कहीं भागफल निकालना होगा, कहीं शेषफल निकालना होगा। तो देखिए हम एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी लिया, और आप एग्जांपल के यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक ही एग्जांपल के आधार पर आप यहाँ पर सारे क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों, इसलिए हमारा एक एग्जांपल काफ़ी है इनको समझाने के लिए। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या बताना, भाजक यहाँ पर बताना दोस्तों। देखिए तो आप भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे, आपने अभी फॉर्मूला यहाँ पर देखा था दोस्तों, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आपको पता है यहाँ पर जो हमारा आर है रिमाइंडर है, शेषफल है, ये हमारा भागफल है, आपको निकालना भाजक, और हमारा भाजक यहाँ पर बी था, बी हमारा भाजक था, और आपने फॉर्मूला भी अभी देखा है, जो हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप बी को निकालना है, तो बी को आप निकालेंगे पहले, तो पहले बी क्यू आप इधर रखिए, बी क्यू आप पहले इधर रख लीजिए, बराबर कितना आएगा ए माइनस आर आ जाएगा, और बाद में आपको यहाँ पर केवल बी चाहिए तो आप बी इक्वल टू रख देंगे, बी इक्वल टू आपका आया ए माइनस आर बट्टे क्यू इधर आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपका दोस्तों ये फॉर्मूला आपका नया बन गया,
ये फॉर्मूला आपका भाजक के लिए बन गया। अब आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पर केवल मान रखना है और आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकाल देंगे। देखिए आपका मान क्या है, ये आपका नंबर है अर्थात ये आपका ए है, तो ये आपका यहाँ पर लिख देंगे 16,075 और माइनस माइनस करेंगे आप आर, आर आपको दिया है यहाँ पर, जो शेषफल है वो आपका 43 है, तो 43 अपॉन क्यू कितना दिया आपको 167 यहाँ पर दिया है, तो आप दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर 16032 अपॉन यहाँ पर 167 इक्वल टू 96 आ गया यहाँ पर, यहाँ पर 96 हमारा आ गया दोस्तों। तो 96 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भाजक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना पड़ता है, बहुत ही आसानी से आप निकाल लिया। मे भी अगला क्वेश्चन आपको दिया हो, भाजक दे दिया गया हो और आपको पूछ लिया गया हो कि बताइए आपका भाज्य क्या होगा या फिर शेषफल क्या होगा या फिर भागफल क्या होगा, तो आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। केवल आपका एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, और ये इनके सिंबल पता होने आवश्यक हैं कि हमारा कौन कहाँ पर होता है करके, और आप इजीली यहाँ पर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला था दोस्तों, और आप इन क्वेश्चनों को उम्मीद है कि बड़ी आसानी से कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आएंगे, और हम इस तरीके से अन्य यहाँ पर टॉपिक महत्वपूर्ण आपको बता जाएंगे दोस्तों, और एग्जाम के आधार पर हमारे जीडी एसएससी या रेलवे जो भी हैं उनके मॉडल पेपर भी आपको बता जाएंगे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में। ओके थैंक्स।